आ जाए, आगे आइए, ये देख ले, देखने की चीजें आ जाए। ये सर इंसान का, जिस्म जानवर का, बोलेगी, बात करेगी, बात का जवाब देगी। आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, देख ले मुमताज बेगम, आ जाए। बच्चों को दिखा दो, आप भी देख लो, आ जाओ। बच्चे बड़े सबकी पसंद मुमताज बेगम। सर इंसान का और जिस्म जानवर का। जी हाँ, कराची चिड़ियाघर में मुमताज बेगम है, जो एक फर्जी किरदार है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो कई सालों से लोगों को एंटरटेन कर रही है और स्पेशली बच्चे बड़े खुश होते हैं उसको देखकर, और बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। मुमताज बेगम कौन है, उसकी हकीकत क्या है, उससे मिलकर जानते हैं। मैं अफ्रीका से आई हूँ, यहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट लेकर आया। 47 ईयर्स हो गए हैं। बोलो आप कहाँ से आए हो? अफ्रीका से आए हैं। बात करेंगे, जवाब मिलेगा। कुछ पूछते चाहे पूछो, बात करें। ये देखो, ये दो में, ये पाँव है, ये हाथ है, ये जिस्म है। और बोलो, बात करें, और कुछ पूछते चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। मुझे यहाँ 47 ईयर्स हो गए। मेरे वैसे रिहाइश जू में ही है, रिहाइश मेरी जू में ही है। और यहाँ तो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है, शाम 8 बजे तक होता है तकरीबन। फिर छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होती। छुट्टी सिर्फ रमज़ानों में मेरे होती है, क्योंकि मैं खुद रोज़े रखती हूँ, तो इसीलिए ये बंद होता है। रमज़ानों में मैं रोज़े रखती हूँ, तो इसीलिए ये बंद किया हुआ होता है। बाकी मैं 11 महीने यहाँ पे होती हूँ। जिस्म जानवर का, बोलती है, बातें करती है, बातों का जवाब देती है, हर जुबान में बात करती है। आ जाए। दानोर वजूद जमगा टोले जी जनावर दे सर बन आदम दे जमाना मुमताज दे नूर खबरे कवा पश्तना कवा जवाब मिलावी जी जमाना जमा मुतालिक कस पश्तना क्या होगा जवाब मिलावी जी। बीमार में अब भी हूँ, आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन बीमार में अब भी हूँ। लेकिन ये पोस्ट से भी ज़्यादा सख्त ड्यूटी है कि जिसकी वजह से मैं आज भी मौजूद हूँ। लेकिन ये एहसास लोगों को तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि देखो, आज भी मेरी तबीयत बिल्कुल कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के साथ हूँ। होती है फैमिली से दूर रहना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा। फैमिली याद आती है, फिर फैमिली से बातचीत हो जाती है, लेकिन यह है कि वो बातचीत करने से और मिलने से बहुत फ़र्क होता है ना। मिलने से और बातचीत दूर से बहुत फ़र्क होता है इसमें। बहुत सारे डर भी जाते हैं, बड़े भी डर जाते हैं, बड़े रो भी जाते हैं, ऐसे है कि रो जाते हैं, रो के भी चले जाते हैं, ऐसे भी है जी। ये कैसी चीज़ है और ये कैसे ऐसे हुआ है, ये किस वजह से हुआ है, तो फिर उसको हम तसल्ली करवा देते हैं कि भाई ये एक एंटरटेनमेंट है और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप देखने आई हो। यहाँ पे ज़ू है, ज़ू के अंदर एंटरटेनमेंट है। पूरा दिन एक जगह रहना और बात करना, फिर सब पब्लिक के साथ डील करना, पब्लिक से बात करना, तो ये मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि अब तो आदत हो गई है। सोचा तो बहुत कुछ है, पर क्या करें, सिफारिश के अलावा कुछ आगे मिल ही नहीं रहे। या पैसा होगा तो मिलेगा, या सिफारिश होगा तो मिलेगा। ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो ये दोनों चीज़ों के बगैर यही काम हो सकता है। बस करेक्टर से अलग करते मुझे फौज में वर्दी करवाए, पाक फौज। बस पाकिस्तान के हिस्से में तो फौज सबसे बेहतरीन। पाक फौज के लिए मैं ये पैगाम देती हूँ कि अल्लाह पाक उनको सही सलामत रखे और खुश और आबाद रखे, क्योंकि जंगलों में भी रहते हैं, बॉर्डरों में भी रहते हैं, तो वो सबसे दूर रहते हैं, इसीलिए उनको तो डबल सलाम है, डबल ट्रिपल सलाम है, चुगना सलाम है उनके लिए। बस मेकअप के बारे में ज़्यादा सवालात होते हैं, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादातर मेकअप का ही सवालात करते हैं। मेकअप लेडीज़ ज़्यादा चॉइस करती है, तो इसलिए लेडीज़ ज़्यादातर मेकअप के बारे में ही पूछते हैं। पर मेकअप के लिए आंटी रखी, तो वो मेकअप वेकअप करती, खिलाते पिलाते सब काम वो करती है। लॉकडाउन के बाद जो है ना, लोगों में कमी पेशी आ गई, इस वजह से कि एक तो लोग कमज़ोर हो गए, सही है, महंगाई हो गई आगे से, तो अब महंगाई की वजह से तो लोग फिर कम आएंगे, क्योंकि महंगाई है। अब घर पूरा करें या फिर घूमने के लिए पूरा करें, ये आपका काम नहीं है। लोग जब बदतमीजी करते हैं तो जाहिर सी बात है दिल दुखता है। दिल पे पत्थर रख के चलोगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, दिल पे पत्थर रख कर नहीं गुजरोगे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है पड्डे शड्डे। बदतमीज़ी करते, गालियाँ दे जाते हैं और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि वो करते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि ये देखो एक एंटरटेनमेंट करता है।